हाय गाइस, बेटा वी काउंट इन दिस लेक्चर द प्रिपरेशन ऑफ एलेवेल के लेक्चर थर्ड कंटिन्यूस कर रहा हूं बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा। तो लेक्चर थर्ड को समझिए आप, ठीक बेटा। लेक्चर थर्ड का जो लास्ट टॉपिक था चल रहा था बेटा मेरा, देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइलकेन फ्रॉम द ईथर। तो बेटा जब आप ईथर को कोल्ड कंडीशन में लेते हैं बेटा, मिक्स्ड ईथर को, थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूं बेटा, ये मिक्स्ड ईथर को कोल्ड कंडीशन में ले रहे हैं आप HIRSCL या HBR के साथ, ठीक ध्यान दीजिए बेटा, कोल्ड कंडीशन सॉरी। तो बेटा स्मॉल एल्काइल ग्रुप फॉर्म हेलोइलकेन, लार्ज एल्काइल ग्रुप, दिस लार्ज एल्काइल ग्रुप, ठीक है बेटा, दिस फॉर्म अल्कोहल। तो CH3I प्लस C2H5OH, ये रिएक्शन हो चुकी थी, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्ड कंडीशन में। और यदि आपका मिक्स ईथर है बेटा, मिक्स ईथर की कंडीशन में स्मॉल एल्काइल ग्रुप आयोडो एल्केन, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन बनाएगा अकॉर्डिंग टू द यूज हेलोजन एसिड HIRSCL RHBR, ओके। और बेटा जैसे ये रिएक्शन यहां भी अप्लीकेबल है बेटा, दिस ऑल्सो द एरोमेटिक ईथर मेथॉक्सीबेंजीन, यहां बेटा आप HCl या HI का यूज कर रहे हैं, ओके। तो बेटा वही लार्ज, दिस स्मॉल एल्काइल ग्रुप फॉर्म मिथाइल आयोडाइड इन कोल्ड कंडीशन, एंड लार्ज फिनाइल ग्रुप फॉर्म फिनॉल, मतलब दिस OH ग्रुप फिनाइल ग्रुप से अटैच होगा, OH फंक्शनल ग्रुप फिनाइल ग्रुप से, और हेलो फंक्शनल ग्रुप बेटा स्मॉल एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, ओके ठीक। ये हो चुका बेटा इसके प्रीवियस पीरियड में, थोड़ा सा उसको कंटिन्यूस करने के लिए यहां से लिंक कर दिया हूं मैंने, देख लीजिएगा आप लोग। अब बेटा आगे चलते हैं, अगर बेटा कोल्ड के प्लेस पे आप हॉट कंडीशन लेते हैं, हॉट कंडीशन इंपॉर्टेंट, देखिए बेटा अगर हॉट कंडीशन में ईथर का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करा रहे हो बेटा हॉट कंडीशन में, अभी तक कोल्ड कंडीशन में हुई, अब हॉट कंडीशन में यदि ईथर का रिएक्शन आप हेलोजन एसिड से करा रहे हो बेटा, तो हॉट कंडीशन में बेटा जो आपका रिएजेंट है HI या HBR ये सब, ये बेटा एक्सेस क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में, हॉट कंडीशन में एक्सेस क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, ओके। देन प्योर हेलोइलकेन, देखो कोल्ड कंडीशन में हेलोइलकेन और OH ग्रुप या अल्कोहल का बेटा मिक्सचर मिल रहा था, ध्यान देना अच्छे से प्लीज। लेकिन बेटा अगर आप हार्ट कंडीशन में रिएक्शन कराओगे तो प्योर हेलोइलकेन ऑप्टेन, प्योर हेलोइलकेन एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेटा बाई प्रोडक्ट आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। तो हॉट कंडीशन में रिएक्शन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, चेक बेटा, दिस डाइमिथाइल ईथर सपोज, डाइथाइल ईथर सपोज, बेटा हॉट कंडीशन में 2 मोल आप हेलोजन एसिड HI SBR SCL, बेटा 2 मोल ये वाटर निकल गया बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा मैकेनिज्म आगे पढ़ाऊंगा मैं हेलोइलकेन में, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज, वाटर रिलीज एंड ट्वाइस मिथाइल एंड ट्वाइस आयोडाइड फंक्शनल ग्रुप, तो बेटा ये मिथाइल आयोडाइड मिला आपको। तो बेटा हॉट कंडीशन में केवल प्योर हेलोइलकेन मिल रहे हैं एज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और इनऑर्गेनिक में क्या मिल रहा है बेटा बाय प्रोडक्ट वाटर, ओके। यहां बेटा ट्वाइस C2H5BR इथाइल ब्रोमाइड, बेहतरीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर दो बोर्ड एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ठीक है। काउंट काउंट बेटा काउंट, ओके हो गया। आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा मेरे लेक्चर में, और तुरंत कर लिए बेटा उसको, ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ बेटा प्लीज, ठीक बेटा। रिएक्शन थोड़े मान लो इस टाइप से बेटा साइक्लिक ईथर दे दिया आपको, चलो फॉर एग्जांपल ये साइक्लिक ईथर है, थोड़ा आप लोग जेई
नीट लेवल पे। ये बेटा साइक्लिक ईथर है, दिस आल्सो कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये बेटा ईथर फंक्शनल ग्रुप, दिस ईथर और दिस ईथर, ये कार्बन ये कार्बन, ओके जी बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये साइक्लिक ईथर है बेटा। अब इसमें बेटा आपको HI एक्सेस लिख दिया है। कई बार बेटा एक्सेस लिख देगा तो हॉट नहीं देगा, हॉट लिख देगा तो एक्सेस नहीं देगा, समझ जाना हॉट कंडीशन में। तो बेटा वही सेम मैकेनिज्म, वही सेम प्रोसीजर, ट्वाइस HI या ट्वाइस HBr आप यूज कर सकते हैं। देखिए बेटा वाटर रिमूव हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहां क्या है, दिस CH2, दिस CH2, दिस CH2, दिस CH2 एंड ये बेटा वन आयोडीन मॉलिक्यूल, यहाँ वन आयोडीन मॉलिक्यूल है। तो क्या बना बेटा 1, 2, 3, 4 1, 4 डाई आयोडो ब्यूटेन, ओके। ऐसे आप HBr लेके 1, 4 डाई आयोडो डाई ब्रोमो ब्यूटेन भी बना सकते हैं। तो ये बेटा ये थोड़ा ये 12th बोर्ड के लिए नहीं है बेटा, MP बोर्ड के लिए नहीं है रिएक्शन, ये उसी का लॉजिक है। आपको चेक करना है कि रिएजेंट और फंक्शनल ग्रुप, रिएजेंट वही है बेटा HCl HBr HI और फंक्शनल ग्रुप वही इधर है, साइक्लिक इधर है बेटा, देयर नेम इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये उसी पैटर्न की रिएक्शन है, याद रखिएगा। मॉलिक्यूल बड़ा होने से बेटा रिएक्शन चेंज नहीं होती है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है बस, बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम रिएजेंट है, तो सेम टाइप के प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है, ओके बेटा, ओके। साइक्लिक है तो 2 आयोडो आपने ऐड कर लीजिए, ठीक है, कंटिन्यूस इसको रख ले बेटा, नॉट फॉर बोर्ड, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड रिएक्शन है, JEE मेंस नीट एग्जाम्स के लिए बेटा, ओके। आगे चलते हैं, अब ध्यान दो बेटा, अब चल रहे हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप 12th बोर्ड एग्जाम NCERT MP बोर्ड दोनों के लिए। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड प्योर, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स RCOOH, प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा आप मोनोहेलोएल्केन बना ले। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलोएल्केन, बेटा प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड से आप मोनोहेलोएल्केन बना ले तो ये रिएक्शन अपने पास काउंट नहीं है बेटा। तो बेटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप सिल्वर साल्ट लीजिएगा, मैंने इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि एसिड के साल्ट एसिड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड के साल्ट किसको बेटा, एसिड को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा प्योर एसिड से काम नहीं चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप सिल्वर साल्ट लेंगे बेटा। अब सिल्वर साल्ट बनाने के लिए क्या करना है, एसिड को साल्ट में चेंज करना है तो बेस से रिएक्शन करा दो, बेस क्या है बेटा AZOH। अभी मैं इस रिएक्शन का, इस मेथड का एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर एक्चुअल रिएक्शन किस नाम से आएगी वो बताऊंगा बेटा। तो बेटा ये वाटर रिमूव कर दिया आपने, -H2O और ये बना बेटा RCOOH, ठीक, यह बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है ये, इट इज द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स आप कार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोहेलोएल्केन बना सकते हो, लेकिन बेटा प्योर एसिड ना लेकर उसका सिल्वर साल्ट लेना है। और ये लिया था बेटा, इसका यूज इस रिएक्शन पर काम किया था बेटा हुंस डीकर ने, किसने भाई, हुंस डीकर। तुमने इन और बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम, चाहे NCERT बोर्ड हो चाहे MP बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम में मेनी टाइम हुंस डीकर रिएक्शन नाम से ये क्वेश्चन कई बार बेटा, नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके दिमाग में, ये आज की डेट से फिट हो जाना चाहिए टिल एग्जामिनेशन। तो बेटा हुंस डीकर रिएक्शन तुम लिखना, इन दिस रिएक्शन हुंस डीकर रिएक्शन में होता क्या, लिख लो थोड़ा सा बेटा प्लीज, इन दिस रिएक्शन द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट, द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट हीटेड विथ ब्रोमीन Br2, हीटेड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। तो बेटा एल्काइल ब्रोमाइड ऑप्टेन, यस,
होज हेलोएल्केन, कौन सा हेलोएल्केन मिलेगा बेटा, एल्काइल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन ओनली अप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। आप इस रिएक्शन से बेटा एल्काइल क्लोराइड बना सकते हो, लेकिन फेमस किसके लिए है, एल्काइल ब्रोमाइड के लिए, जो इजी वे में होता है। ओके, एल्काइल आयोडाइड के लिए आप यूज नहीं करेंगे, एल्काइल ब्रोमाइड के लिए आप मेनली यूज करेंगे। एल्काइल क्लोराइड बेटा इस रिएक्शन से रेयर बनते हैं, लेकिन बनते हैं। लेकिन जो इजी वे में जो हेलोएल्केन बनता है बाय दिस रिएक्शन, वो है बेटा एल्काइल ब्रोमाइड। ओके, CO2 गैस रिलीज होगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और AgBr। अब इस रिएक्शन को बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बेटा आर्गेनिक में एक बात समझ लो, ये मेटल है बेटा और ये नॉन मेटल। किसी भी रिएक्शन में मेटल और नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल हमेशा ही बाइंडिंग करेगा बेटा, हमेशा ही बाइंडिंग करेगा, और क्या बनाएगा, AgBr, क्योंकि इनका जन्म जन्म का साथ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा ये CO2 यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ब्रोमीन BrBr में मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं ऐसे। ओके, तो बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो AgBr बाई प्रोडक्ट दिस CO2। यहाँ डेल्टा हीटिंग करना है बेटा, हीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। CCl4 क्यों रखें बताऊंगा अभी। तो CO2 ये गैस निकल गई बेटा, CO2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किस नाम से आती है बेटा, हुंस-डीकर रिएक्शन। किस नाम से भाई, हुंस-डीकर रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आप मेनली क्या बनाएंगे बेटा, एल्काइल ब्रोमाइड। आपको पूछेगा ये रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड के लिए, एल्काइल क्लोराइड बनते हैं लेकिन बेटा थोड़ी ड्रेस्टिक कंडीशन में बनते हैं, मतलब उतने क्लियरली नहीं होते हैं, अदर भी प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ, लेकिन एल्काइल ब्रोमाइड के लिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और बोर्ड एग्जाम में 100% रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं बेटा। ओके, अब इस रिएक्शन का खास कैरेक्टर क्या है बेटा, थ्रू दिस रिएक्शन, याद रखना, थ्रू दिस रिएक्शन वन कार्बन लेस हेलोइल्केन। देखो बेटा एक कार्बन किसके रूप में रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू दिस रिएक्शन वन कार्बन लेस हेलोइल्केन, होज हेलोइल्केन, ब्रोमो एल्केन और एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर साल्ट कैसे बनाएंगे बेटा, आप एसिड की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करवा दीजिए, तो ये RCOOH याद रखिए। तो बेटा हुंस-डीकर रिएक्शन में प्योर एसिड यूज नहीं करना बेटा, एसिड का सिल्वर साल्ट यूज करना है। लेकिन याद रखना एसिड के साल्ट की रिएक्शन एसिड की रिएक्शन ही मानी जाती है, एसिड के साल्ट एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को याद रखना बेटा हमेशा। और ऐसी बहुत सी रिएक्शन हमको 11th ऑर्गेनिक में मिलने वाली है। ओके बेटा, 11th पोर्शन में हमने सोडा लाइम रिएक्शन पढ़े, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट की रिएक्शन थी। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट की रिएक्शन थी। वैसे बेटा ये 12th बोर्ड स्टूडेंट, दिस अ हुंस-डीकर रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट, और इसमें बेटा केवल आप एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन का ही फॉर्मेशन करेंगे। ओके, याद रखिएगा बेटा। बेटा दिस रिएक्शन नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बेटा हुंस-डीकर रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। वाई बेटा, बिकॉज वन का यह है बेटा आपका रिएक्टेंट, वन कार्बन एटम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एक कार्बन किसके रूप में रिलीज हो रहा है बेटा, CO2 के रूप में। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्सन में। इन रिएक्शन के जब भी बेटा कन्वर्सन रिएक्शन क्या होती है, अभी सब चर्चा करेंगे हम लोग। कन्वर्सन में जब भी आप लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से स्मॉल कार्बन नंबर के, हायर कार्बन नंबर मॉलिक्यूल से लोअर कार्बन नंबर मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो बेटा, तो ये हुंस-डीकर रिएक्शन का आप इंटरमीडिएट रिएक्शन के रूप में यूज कर सकते हो, इस बात को याद रखना। हुंस-डीकर रिएक्शन है, 11 की सोडा लाइम रिएक्शन है, जो 11 पोर्शन में पढ़े, आगे 12th में मिलेगी एसिड चैप्टर में बच्चा, एसिड चैप्टर में भी आगे मिलने वाला है। ओके, तो ध्यान दीजिए बेटा ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और ऐसी कितनी रिएक्शन है बेटा हमारी ऑर्गेनिक में, एक तो ये हुई बेटा हुंस-डीकर, ध्यान देना मैं थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं बस, हुंस-डीकर ये जो बेटा, सेकंड बेटा सोडा लाइम, थर्ड है बेटा सिमिट रिएक्शन, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन जो अभी आपको
12% में मिली बेटा डिकार्बोक्सिलेशन में, कौन सी बेटा हुंसिडिकर, और कौन सी ऐसी रिएक्शन सोडालाइम, और ऐसी कौन सी रिएक्शन बेटा सिमिट रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन। और बेटा हाफमेन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हाफमेन ब्रोमेमाइड। आप बोलोगे सर कहां की रिएक्शन आगे मिलने वाली 12th बोर्ड में, लेकिन पहली कौन सी मिली बेटा एज द डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, पहली आपकी लाइफ में भी 12% में कौन सी मिली है हुंसिडिकर। सोडालाइम फिर से मिलेगी बेटा एसिड चैप्टर में, सिमिट फिर से एसिड चैप्टर में, हाफमेन ब्रोमाइड इज ऑल्सो इन एसिड चैप्टर। ये बेटा एसिड का एमाइड जो है एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा। तो ये सब और भी रिएक्शन है बेटा हमारे पास, ये 1, 2, 3, 4 हो गई। ड्राई डिस्टिलेशन 1, 2, 3, 4, ये फिफ्थ रिएक्शन में ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, ये फिफ्थ रिएक्शन बेटा। सिक्स है बेटा आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बेटा ये 5 to 6 रिएक्शन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये किस नाम से जानी जाती है बेटा डिकार्बोक्सिलेशन। और इस रिएक्शन में होता है क्या बेटा, बनने वाला जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें 1 कार्बन कम होगा कंपेयर देन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो बड़ी फेमस रिएक्शन है बेटा हुंसिडिकर, सोडालाइम, सिमिट, हाफमेन, ब्रोमामाइड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ए 5 to 6 है बेटा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नाम से फेमस है, जो इन फ्यूचर 12th बोर्ड एग्जाम में हमारी लाइफ में आने वाली है। उसमें पहली कौन सी आई बच्चे, कौन सी आई बेटा हुंसिडिकर रिएक्शन। और हुंसिडिकर रिएक्शन किसकी रिएक्शन है, और याद रखना बेटा ऑल डिकार्बोक्सिलेशन, जितनी भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है हमारे पास वो या तो एसिड के पास है या एसिड के डेरिवेटिव के पास है। जैसे एसिड का यहाँ डेरिवेटिव कौन है बेटा सिल्वर साल्ट, ये देखो एसिड का डेरिवेटिव कैल्शियम साल्ट, सोडालाइम में एसिड का डेरिवेटिव सोडियम या पोटेशियम साल्ट, ये हाफमेन ब्रोमाइड में एसिड का डेरिवेटिव अमाइड, ठीक है बेटा, सीमिट में डायरेक्ट एसिड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये दे आर द वेरियस डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब इसे दिमाग में रखना कि ये इनको उतार लो, ये 5 to 6 टाइप की डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, नाम याद रखो, नाम से इनके क्वेश्चन आते हैं बेटा। उसमें पहली कौन सी आई बेटा हमारी हुंसिडिकर रिएक्शन। हुंसिडिकर रिएक्शन में करते क्या है बच्चे हम लोग, यस बेटा इन द हुंसिडिकर रिएक्शन यस एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन 1 कार्बन लेस, क्योंकि 1 कार्बन किसके रूप में लिखना बेटा CO2, 1 कार्बन लेस एल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट। अब बेटा इस रिएक्शन को एक्चुअल रेडिकल का यूज कर रहा हूं, लेता बेटा हम लोग R के प्लेस पे CH3 COO Ag प्लस Br2 को BrBr लिख देता हूँ बेटा मैं, ओके इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसको भूलना नहीं बेटा, CCl4 जरूर लिखना, क्यों पूछे क्यों बेटा, याद रखना जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन आप यूज करते हो ओके लिक्विड फॉर्म में, तो उनका जो सॉल्वेंट है बेटा या तो CCl4 है या CH2 है या समझ रहा है मेरी बात, जब भी हेलोजन लिक्विड फॉर्म में यूज करोगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 या CH2 का यूज करोगे, और पोलर सॉल्वेंट में वाटर का यूज करोगे। याद रखना बेटा जो हेलोजन्स है, हेलोजन को यदि सॉल्वेंट मीडियम में यूज करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना है तो सॉल्वेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, ये नॉन पोलर बेटा और ये पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप हेलोजन डिजोल्व कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, या पोलर सॉल्वेंट वाटर में हेलोजन डिजोल्व करके आप रिएक्शन में यूज करते हैं ओके बेटा। तो जब भी हेलोजन्स होंगे लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में इनको रखना है, तो बेटा CCl4 एरो पे मिलेगा या CH2 एरो पे मिलेगा या वाटर या पोलर सॉल्वेंट आपको एरो पे मिलेगा, इसका ये रीजन है, याद रखिएगा ओके।
हाँ तो बेटा इसी पैटर्न पे रिएक्शन। देखो जब बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो बोर्ड एग्जाम में आर के टर्म में आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे, आर के प्लेस पे मिथाइल एथाइल प्रोपाइल या वो जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो ये बना बेटा मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, ये बेटा CO2 प्लस AgBr। ओके द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एनी प्रॉब्लम अच्छा नहीं बेटा। आप ये रिएक्शन हेलोएरिन ब्रोमोबेंजीन, ये तो बेटा आपका एलिफेटिक हेलोएल्केन ब्रोमोएल्केन बनाया, आप एरोमेटिक बनाना है तो भी आर के प्लेस पे क्या यूज कर लो बेटा फिनाइल ग्रुप, दिस फिनाइल मिथाइल के प्लेस पे फिनाइल C6H5। ओके बेटा दिस फिनाइल। तो बेंजोइक एसिड का बेटा आप सिल्वर साल्ट ले लीजिए, दिस ब्रोमीन। तो ये बेटा मेटल और नॉन मेटल जन्म जन्म का साथ इनका, ये CO2 यहां से रिलीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेम CCl4 सॉल्वेंट। तो ये बना बेटा ब्रोमोबेंजीन। देखिए ये रिएक्शन से आप हेलो ब्रोमो एल्केन भी बना सक रहे हो बेटा, ब्रोमोबेंजीन मीन्स हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों आप बना सकते हैं, प्लस CO2 प्लस AgBr। ओके ओके ठीक है बेटा। तो ये बेटा ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किस रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे बेटा आप बोलो, हुंसडीकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आज की डेट से तैयार हो जाना चाहिए। हुंसडीकर रिएक्शन में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेंगे और जो हेलोजन यूज करेंगे पर्टिकुलर ब्रोमीन ही यूज करेंगे। क्लोरीन भी रिएक्शन देता है, क्लोरोएल्केन भी बनते हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया बेटा, क्योंकि इजी वे में ब्रोमोएल्केन बनते हैं इसमें। ओके इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन CO2 AgBr। ठीक है आयोडीन लेंगे बेटा इस रिएक्शन तो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट इस्टर्स मिलने लगते हैं बेटा, उससे मतलब नहीं है, वो काउंटेबल नहीं है, ठीक ध्यान दो इधर। तो बेटा अभी प्लेन बोर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोगों के, ध्यान देना, छाप लो बच्चा छाप लो बेटा, ठीक। तो बेटा ये हुआ प्रिपरेशन आप मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये थर्ड को कंटिन्यूस रख रहा हूँ बेटा, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। बेटा नेक्स्ट पीरियड में बात करेंगे हम लोग कुछ स्पेशल रिएक्शन बेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। ओके ठीक ओके ठीक है बेटा, रिवाइज कर लो इसको, इन नेक्स्ट पीरियड काउंट करेंगे हम लोग अब। ओके